हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन फनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फनेटिक्स देखो, फनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले फनेटिक्स के बारे में थोड़ा डेफिनेशन देखिए। इंग्लिश हैज द, देखो फनेटिक्स तो एक स्पीच साउंड होती है। क्या होती है? स्पीच साउंड होती है ना। तो देखिए ये कितने होते हैं टोटल फनेटिक्स? 44 होते हैं इंग्लिश में, लेकिन इनको 26 लेटर में अपन एबीसीडी के रूप में लिखते हैं। एबीसीडी के रूप में कितने रूप में लिखते हैं? 26 लेटर्स के रूप में लिखते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए साउंड कितनी होती है, साउंड आपके 44 होगी, लेकिन लेटर्स कितने होंगे? 26 होंगे। 26 ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के रूप में अपन इनको लिखते हैं। तो फोनेटिक्स इज द स्टडी, फोनेटिक्स में उसका अध्ययन किया जाता है ऑफ स्पीच। अभी को यहाँ पे डेफिनेशन है कि फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड। स्पीच साउंड का अध्ययन किया जाता है एंड हाउ दे आर द प्रोड्यूस, और वह यह बताते हैं कि इसमें ध्वनि कितनी उत्पन्न हुई है। ध्वनि के बारे में, प्रोनंसिएशन के बारे में, इसमें इसके बारे में बताता है। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, जो इसके लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। सिग्निफिकेंट यानी क्या होता है? महत्वपूर्ण होती है। एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो भाषा के क्या होता है? पहलू होता है, भाषा का पहलू होता है। दोबारा देखिए, इंग्लिश हैज द 44 साउंड। अंग्रेजी में कितने साउंड होती हैं? 44 साउंड होती हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए लेटर्स कितने होते हैं अंग्रेजी में, तो 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट। अब इसकी परिभाषा देखिए, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड। देखो इसको दे देते हैं कि इज द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड, किसे कहते हैं? फोनेटिक्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? फोनेटिक्स को कहते हैं। एंड हाउ दे आर द प्रोड्यूस, प्रोनंसिएशन इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। यह भाषा के पहलुओं के बारे में, महत्व के बारे में हमें बताता है। अब देखिए, इसको अपन फोनेटिक्स को साउंड को, 44 साउंडों को अपन दो भागों में बांटने पर एक फर्स्ट वोवेल स्वर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वर। दूसरा होगा आपका कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। इसको पहला भाग दे देंगे, इसको दूसरा भाग दे देंगे। अब देखो, वोवेल वोवेल कितने होते हैं आपके इंग्लिश में? वोवेल होते हैं 20। कितने होते हैं? 44 में से 20 तो वोवेल हो गए, और बाकी के कितने बच गए? 24। 24 ये हो जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट, हो जाएंगे इंग्लिश में। जो कॉन्सोनेंट में वो साउंड की ध्वनि निकालेंगे, और ये निकालेंगे वोवेल्स की ध्वनि निकालेंगे 20। अब देखो 20 20 हैं। अब इनको भी अपन डिवाइडेड कर देते हैं, इनको भी दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? देखो 20 में से 12 है, 20 में से 12 है, 12 को तो अपन कहते हैं प्योर वोवेल्स। क्या कहते हैं? प्योर वोवेल होते हैं, यानी प्योर होते हैं 20 12 है, जिनको हम, इनको 12 को, इनका दूसरा नाम क्या है? मोनोथोन्स। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको 2 3 बार पूछ चुके हैं एग्जामिनर आरपीसी में, कि प्योर वोवेल्स है फोनेटिक्स, मोनोथोन्स है। क्या है? प्योर वोवेल्स मोनोथोन्स है। अब देखो, अब इसमें से 20 में से 12 तो ये हो गए, अब इसमें से बच कितने गए? अब अपने पास 8 बच गए। 8 क्या कहलाएंगे? डिप्थोन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिप्थोन्स, जिनका दूसरा नाम क्या कहता है? ग्लीड। क्या कहलाता है? ग्लीड। देखो ये इसको याद रखना आपको, प्योर वोवेल्स को कहते हैं मोनोटोन्स, और डिप्थोंग को कहते हैं अपन ग्लीड कहते हैं। तो ये आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया। 20 को अपन दो भागों में बांट दिए, 12 और 8। 12 को प्योर वोवेल्स कहेंगे, जिनको मोनोटोन्स बोलेंगे। बचे 8, 8 में से डिप्थोंग, डिप्थोंग का दूसरा नाम क्या है? ग्लीड। ये तो हो गया आपका वोवेल साउंड, यानी 20 का अपन ने डिवाइडेड कर दिया। इसके बाद में अपन देखते हैं 24 साउंड कॉन्सोनेंट्स। 24 साउंड कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें से अपन इनको 6 भागों में, 6 प्रकार के कॉन्सोनेंट होते हैं। इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनको अपन इस प्रकार से बांटते हैं। प्लोसिव, प्लसिव, ये होते हैं इंग्लिश में 6। अभी बताएंगे 24 के, अपन अलग से चैप्टर बनाएंगे ये 24 का, इनका एक एक वो करेंगे, और इसका भी अपन एक एक डिस्कस करेंगे। तो प्लसिव कितने होते हैं? 6 होते हैं। अपरेटिव कितने होते हैं? 2 होते हैं। फ्रेक्टिव्स ये होते हैं 9, फ्रेक्टिव्स 9। नस्कल्स होते हैं 3 3, और लेटरियल होता है ओनली एक, एल नाम का एक होता है। सेमी वोवेल्स ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं, एम एन एल, एम एन एल। प्लोसिव 6, अपरेटिव 2, फ्रेक्टिव 9, और नस्कल्स 3, लेटरियल 1, सेमी वोवेल्स 3। तो ये तो आ गया आपके कॉन्सोनेंट को अपने डिवाइडेड कर दिया, 6 पार्ट होते हैं इसके, 6 टाइप्स होते हैं। अब आगे देखिए वोवेल्स क्या होता है। वोवेल्स वोवेल्स होता है ए सिंगल वोवेल, ए सिंगल वोवेल यानी एक अकेली
वोवेल जो ध्वनि उत्पन्न करे उसको तो अपन बोलेंगे क्या, डिप्थोंग। उसको तो क्या बोलेंगे अपन, डिप्थोंग। यानी 20 वोवेल में से जो एक सिंगल वोवेल ध्वनि उत्पन्न करे तो उसको तो बोलेंगे अपन क्या, डिप्थोंग। डिप्थोंग का दूसरा नाम क्या है, ग्लीड। डिप्थोंग का दूसरा नाम क्या है, ग्लीड। ग्लीड भी कह सकते हैं। जो क्या होते हैं, जो एक सिंगल ध्वनि उत्पन्न करेंगे। अब इसके बाद में आप देखिए डबल साउंड, ये गलत लिख दिया थोड़ा, डबल साउंड। हाँ इधर देखो, डिप्थोंग्स आर इम्प्योर वोवल्स। ये क्या होते हैं, हमेशा डिप्थोंग होते हैं हमेशा इम्प्योर वोवल साउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इम्प्योर होते हैं। अब इसके बाद में देखिए कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स की पहले डेफिनेशन देखिए, द स्पीच साउंड यानी भाषा की वह ध्वनि दैट रिजल्ट, जो परिणाम देती है, जो रिजल्ट देती है फ्रॉम द साउंड निस्सच, जो इस प्रकार से इंटरफेरेंस दखलता के साथ ऑफ द वोवेल्स, जो किसमें दखलता देता है, वोवेल्स में, ओरिजिनल यानी वोवेल्स को उत्पन्न ओरिजिनल से संगठित करता है यानी उसकी उत्पत्ति करता है, विद द एयर स्ट्रीम्स, विद द एयर स्ट्रीम्स, जो हवा के माध्यम, कंठ के माध्यम से, दंत कष्ट के माध्यम से जो ध्वनि निकाली जाती है वोवेल के माध्यम से, उस ध्वनि को अपन क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो इसके बाद में अपन एक एक लेंगे, वोवेल्स 12th के बारे में अध्ययन करेंगे, डिप्थोंग के बारे में अध्ययन करेंगे, सिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू, इतना ही काफी है आज के लिए। प्लीज माय वीडियोस लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।